समय लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में तमाम पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं, वो कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे जो तमाम जो राजनीति है वो काफी ज्यादा गर्मा जाती है। और इन्हीं सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से यहाँ पर एक बयान जारी किया है जिसके बाद जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है। और असदुद्दीन ओवैसी ने आखिरकार ऐसा बोला क्या है तो जरा आप ये भी जान लीजिए। उन्होंने एक बार फिर से, हालांकि ये बयान उन्होंने पहले भी दिया था और उन्होंने एक बार फिर से ये कहा है, एक सवाल का जवाब देती है उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह एक दिन भारत के अंदर एक मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। हालांकि उन्होंने ये दावा किया कि तब तक मैं उसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहूं, लेकिन एक समय जरूर ऐसा आएगा जिस दिन इस भारत, महान भारत के अंदर एक मुस्लिम महिला यहाँ की प्रधानमंत्री होगी और वो दिन जरूर आएगा। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कटाक्ष किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की है और घेरते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही नहीं जाने वाले। और जिस तरीके से तमाम जो नेतागण ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अब अपना रिटायरमेंट दे देना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना रिटायरमेंट सौंप देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, उन्हें राजनीतिक तौर पर हराना पड़ेगा। ये बात कही है असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा है और ये दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। भले ही हाँ उन्होंने ये कहा है कि उनके जो पार्टी है, उनकी पार्टी की तरफ से जो नेता है, अगर वो 75 साल के हो जाते हैं तो किसी और नए चेहरे को लाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं करने वाले, उनको राजनीतिक तौर पर हराना होगा। और ये बात उन्होंने कही है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नहीं जाने वाले। आपको बता दूंगी दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट को लेकर के एक सियासत काफी गर्मा गई है। तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं उस पर काफी ज्यादा हमलावर है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात खुद कहा था, भरी सभा में कहा था कि हमारी पार्टी के नेता जो है 75 साल के अगर ऊपर होते हैं तो उन्हें पार्टी में रहने का हक नहीं है, उन्हें अपना रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इस्तीफा सौंप देना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कही थी और इसी को लेकर के सियासत काफी गर्मा गई है। यहाँ पर तमाम जो नेता है, आपने देखा होगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर है, वैसे ही वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कटाक्ष करते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सारी बयानबाजी करी है, लेकिन इस बीच उन्होंने एक बात जो कही है कि वो ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना रिटायरमेंट लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने भी यही दावा किया कि वो लेंगे नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी 75 साल के बाद के लोगों को स्वीकार नहीं करेगी, उन्हें रिटायरमेंट देना चाहिए। इसी तमाम चीज़ों को लेकर के राजनीति गर्माई गई है। और इस खबर को लेकर के दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर कहिएगा। साथ ही फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।